सूर्य कुमार का तूफानी शतक, विराट का 8 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, मुंबई ने बनाया सबसे बड़ा स्कोर। इंग्लैंड के खिलाफ भारत की टी20 में चुने जाने के बाद सूर्य कुमार यादव का बल्ला जमकर बोल रहा है। मुंबई की तरफ से विजय हजारे एक दिवसीय ट्रॉफी खेल रहे सूर्य कुमार अब और आक्रामक हो गए हैं। दाएं हाथ के बल्लेबाज ने एक बार फिर से शानदार पारी खेली। उन्होंने गुरुवार को पांडुचेरी के खिलाफ अपना तूफानी शतक जड़ा। इस दौरान उन्होंने मैदान के चारों तरफ चौके छक्के लगाए। मुंबई के इस बल्लेबाज ने आउट होने के पहले 58 गेंदों पर 133 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 22 चौके और 4 छक्के जड़े। सूर्य कुमार ने 50 गेंदों में ही अपना शतक पूरा किया। इसी के साथ उन्होंने एक खास रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। सूर्य कुमार अब लिस्ट में एक क्रिकेट में दूसरा सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली के 8 साल पुराने रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। विराट ने 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 52 गेंद पर शतक लगाया था। इस मामले में यूसुफ पठान अभी भी शीर्ष पर काबिज हैं। पठान ने 2010 में महाराष्ट्र के खिलाफ महज 40 गेंद में शतकीय पारी खेली थी। 30 वर्षीय सूर्य कुमार के लिए विजय हजारे ट्रॉफी का यह सीजन अब तक शानदार रहा। उन्होंने 3 मैचों में एक अर्धशतक और एक शतक लगाया। यादव ने अपने पहले मैच में 33 गेंद में 50 रन बनाए थे। इसके बाद दूसरे मुकाबले में 27 गेंदों पर 29 रन बनाए और अब 133 रनों की पारी खेली। बता दें कि सूर्य कुमार का हाल ही में टीम इंडिया में चयन हुआ है। उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ मार्च में होने वाली टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में चुना गया है। बात करें मैच की तो एलिट ग्रुप डी में इस मुकाबले में मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पांडुचेरी के खिलाफ 50 ओवर में 4 विकेट खोकर 457 रन बनाए। इसी के साथ मुंबई ने विजय हजारे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे बड़े टीम के स्कोर को अपने नाम दर्ज कर लिया। मुंबई की तरफ से इस मैच में पृथ्वी शॉ ने नाबाद 227 रन, सूर्य कुमार ने 133 और आदित्य तारे ने 56 रन बनाए। टीम इंडिया में आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।